हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लीजिए। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर टू के क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क सभी चीज़ कंप्लीट कर ली थी। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे। पोएम है हमारी पेज नंबर 20 पे, तो आज की डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे 10th May 2021। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन लाइक टू कलेक्ट, सॉरी, आपकी पोएम का नाम है सिल्वर बाउ, चांदी का फूल। चिल्ड्रन लाइक टू कलेक्ट, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू कलेक्ट मैनी थिंग्स विच दे लव डेयरली। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ चीज़ें इकट्ठा करने का शौक होता है बच्चों, जिन चीज़ों को वो प्यार करते हैं। विच ऑफ दीज थिंग्स वुड यू लाइक टू कीप, नेम द थिंग्स। कुछ चीज़ें हैं, इनमें से आप लोग भी कुछ चीज़ें रखना पसंद करते होंगे, तो उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों, एक गुब्बारा, बलून, खिलौना है, टॉय, ये टेडी बियर है, और ये टॉय गन है, खिलौने वाली बंदूक। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। आई हैड ए सिल्वर बो, मेरे पास एक चांदी का फूल है। आई स्वीड इट ऑन माई शू, मैंने उसको अपने जूते पे सिया है, जैसे बच्चों ये सिया हुआ है। अलोंग विद ए स्प्रिंग ऑफ मिस्टोन, उसमें एक मिस्टियोल्ट की एक धागा है। एंड डांस द इवनिंग थ्रू, और मैं पहन के उसे अपने शू को शाम तक डांस किया है। ओके, मिस्टियोट का मतलब होता है बच्चों, एक पौधा होता है जो हवा के, जो स्प्रिंग, जो हवा होती है स्प्रिंग सीजन में, जैसे वो घूमता रहता है हवा के साथ, ऐसे ही उसने डांस किया लड़की ने। आई पुट माई टॉयज ऑन ए क्लॉथ, मैंने अपने खिलौनों को एक कपड़े पे रखा। एंड टाइड ऑल इन ए नॉट, फिर मैंने उसको एक अच्छे से गांठ मार दी, मैंने जैसे बांध के उसको गांठ मार दिया। इन केस द एल्व्स शुड कम बाय नाइट, अगर रात को, एल्व्स का मतलब होता है इमेजिनरी पीपल ऑफ स्मॉल साइज, मींस आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप से रात को अगर अपने खिलौने रखते हैं, तो आपको ये होती है कि रात को कोई हमारे खिलौने ना उठ जाए, तो इमेजिनरी है, काल्पनिक व्यक्ति होते हैं। इन केस द एल्व शुड कम बाई नाइट, अगर रात को कोई भी आता है मेरे खिलौने लेने, एंड टेक अवे माई लोट, तो वह मेरे खिलौनों को ना ले जाए, क्योंकि वो नोट में बंधे हुए हैं। आई हैड अ येलो रिबन, मेरे पास एक पीले कलर का रिबन भी है। आई टाइड इट इन माई हेयर, उसको मैंने अपने बालों में बांधा हुआ है। दैट वॉकिंग इन द गार्डन द बर्ड्स माइट सी इट देयर, जब मैं गार्डन में चलूंगी तो वहाँ पे जो चिड़ियाँ होंगी, जो पक्षी होंगे, बर्ड्स होंगी, वो उसको देखेंगी। आई हैड ए सीक्रेट लाफ्टर, मैं फिर एक छुपा के अपनी हंसी हंसूंगी। आई लाफ्ड इट नियर द वॉल, मैं दीवार के पास भी हंसूंगी। ओनली द आईवी एंड द विंड, केवल आईवी, आईवी होता है बच्चों एक प्लांट जो धरती की सतह से ऊपर की तरफ उगता है। ओनली द आईवी, सिर्फ उस पौधे को और हवा को, मे टेल ऑफ इट एट ऑल, सिर्फ मैं उसी को बताऊंगी कि मैं हंस रही हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है, आपको इसको रीड करना है आज, ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं जिसके मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, वो भी आपको पढ़ने हैं। स्प्रिंग,
स्प्रिंग का मतलब है स्मॉल ब्रांच, छोटी टहनी। मिस्टिल्टो, मिस्टिल्टो एक ग्रीन प्लांट, एक हरा पौधा। एल्विस, एल्व्स बताया मैंने आपको, इमेजिनरी पीपल ऑफ स्मॉल साइज, काल्पनिक व्यक्ति छोटे कद के। आईवी, ए डेलिकेट प्लांट दैट ग्रोज अपवर्ड ऑन ए सरफेस, एक हरे रंग का पौधा होता है जो जमीन की ऊपर की सतह पे ही उगता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप सभी को ये पोएम रीड करनी है और ये 5 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये भी आपको रीड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।